कल्पित से मिली है और बहुत एक्साइटमेंट अंदर बिल्डअप हो चुकी है। फाइनली अब थोड़ा आराम करने का मौका मिल रहा है। पिछले 3 हफ्ते से हम सिटी टूर्स पे हैं और पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं, तो आप बॉम्बे आके बहुत अच्छा लग रहा है और आज पिक्चर की पहली स्क्रीनिंग है, तो वेट कर रहा हूँ लोग आएंगे और रिएक्शन देंगे, और जो रिएक्शन अभी तक आए हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं और बहुत अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं पिक्चर को। लोगों ने बहुत तारीफ भी की है पिक्चर की और मुझे भी तारीफ मिल रही है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, दोनों बहुत अलग किस्म की पिक्चरें हैं और आप एक पिक्चर फ्राइडे को देखिए और दूसरी सैटरडे को देखिए। सर मोहित, देखा जाए तो फिर इसकी ट्रेलर लॉन्च पार्लियामेंट में हुआ, बाद में स्क्रीनिंग आर्मी के लिए रखा गया था, आर्मी और डीएसएफ के लिए, क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? कुछ आप गए थे प्रकाश में, जो ट्रेलर था हमने पार्लियामेंट में रिलीज किया वो अपने लिए बहुत बड़ी बात थी, इट वॉज अ बिग थिंग, और ऐसा मौका जो है पिक्चरों को मिलता नहीं और हमारी पिक्चर को ऐसा मौका मिला। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में इसका ट्रेलर रिलीज हुआ और उसके बाद इसका जो प्रीमियर हुआ वो राष्ट्रपति भवन में हुआ, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो पॉलिटिक्स के जो दुनिया के जो सुपरस्टार हैं उनसे इतना बड़ा स्टैम्प मिल गया, हमें इतनी बड़ा अप्रूवल मिल गया है कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब जो लोग हैं वो निकल के अपने घर से निकले और 28 जुलाई को ये पिक्चर देखें, राग देश। क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले कश्मीर में देखा जाए तो, जो कल हुआ प्रीमियर इसका, उसके बारे में थोड़ा किस तरह का एक्सपीरियंस रहा वहाँ? कुछ नहीं, हम तारीफ कर रहे हैं, लोगों को पिक्चर पसंद आ रही है, लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है और अब बस मैं वेट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और जल्दी से इसका अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स मिले। ये पिक्चर एक बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है, इंडिया के इंडिपेंडेंस की लड़ाई की कहानी है और एक ऐसी कहानी जो इंडिया की हिस्ट्री को जो दिखाती है और इतनी एंटरटेनिंग वे में दिखाती है और इतनी इंगेजिंग वे में दिखाती है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, इसके अंदर वॉर है, ड्रामा है, रोमांस है, ये पीरियड फिल्म है, तिग्मांशु भुलिया की डायरेक्शन है और आई थिंक ये जो कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है ये लोगों को बहुत मज़ा आएगा। नहीं, हमारी पिक्चर में क्या है कि ये एक कोर्टरूम ड्रामा और एक वॉर फिल्म का कॉम्बिनेशन है, तो ये सिर्फ बॉर्डर की लड़ाई की पिक्चर नहीं है और वैसे भी ये इंडियन नेशनल आर्मी की पिक्चर है, 1940s की कहानी है, तो पीरियड फिल्म है, तो उसका अपना एक टेक्सचर, अपना एक अलग रंग होता है उस पिक्चर का, उसका अपना मज़ा होता है। वर्ल्ड वॉर टू में पिक्चर सेट है तो यू नो इसमें यूनिफॉर्म्स थी, इसमें आपकी लुक अलग थी, बात करने के ढंग में आपका डिक्शन थी, एक्सेंट था, तो एज एन एक्टर भी इसमें बहुत मेहनत करके हमने बहुत चीज़ें डालने की कोशिश की और अब अच्छा लग रहा है। सर, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर फिल्म बनाई जा रही है तो लेकिन उनके जो मरने को लेके काफ़ी रहस्य है, तो ये फिल्म दिखा रही है उसी को लेके? एक्चुअली जो इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स हुए थे, रेड फोर्ट ट्रायल्स, उन पे फोकस करती है और उसी पे फोकस करती है, सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी बताती है, ना कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो मनोहर कहानियाँ बनी कि वो मरे कैसे और क्या हुआ और क्या नहीं, उसको हमने कवर नहीं किया, हमने उनकी पॉजिटिव चीज़ों को दिखाने की कोशिश। इंडस्ट्री के लोगों को किस चीज़ को आप दिखाने जा रहे हैं आज फिल्म? मैंने तो बस अभी शुरू आप करके आप देखना समाज के लिए, अभी एक स्क्रीन तो चल रही है ऑलरेडी, अभी मैं बस चाहता हूँ अंदर जल्दी से भागूँ और लोगों के रिएक्शन देख रहा हूँ, इंटरवल होने वाला है तो उसके बाद फिर से आके बात करते हैं थोड़ी देर में, थोड़ी रिएक्शन और देखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।